हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मूवीज कार्ट पर। यहाँ पर आपको मिलती है बॉलीवुड और हॉलीवुड की टॉप फिल्मों की लिस्ट वाली वीडियोस। तो आज के इस वीडियो में आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ हॉलीवुड की कुछ बेहतरीन फिल्मों की लिस्ट जो कि हिंदी डब्ड है। ये सभी फिल्में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। ये सभी लेटेस्ट फिल्म है जो की 2021 और 2022 में रिलीज हुई है। तो चलिए देखते हैं आज की ये लिस्ट। लिस्ट में नंबर 5 पर मूवी है केट। ये सन 2021 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर बेस्ड मूवी है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 6.2 आउट ऑफ 10 और 76% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। मूवी में हम कहानी देखते हैं केट नाम की एक लड़की की जो कि असैसिन का काम करती है। असैसिन का मतलब होता है हत्यारा। केट एक अनाथ लड़की है और इसे वी नाम के एक आदमी ने बचपन से पाला और इस काम के लिए ट्रेन किया है। तो अब केट वी के लिए ही काम करती है, लेकिन एक मिशन के दौरान एक आदमी को उसी की बच्ची के सामने मारने के बाद केट बहुत दुखी हो जाती है और अब केट ये काम छोड़ना चाहती है। काम छोड़ने की बात सुनकर वी उसे एक लास्ट मिशन देता है जिसे कंप्लीट करने के बाद केट काम छोड़ सकती है। पर उसी रात कोई उसे पॉइजन दे देता है और वह अपना मिशन कंप्लीट नहीं कर पाती और अब उसकी जिंदगी के मात्र 24 घंटे बचे हुए होते हैं और इन 24 घंटों में वह उस पॉइजन देने वाले इंसान को ढूंढ कर मारना चाहती है। तो आखिर उसे पॉइजन किसने दिया और वह इसका बदला कैसे लेगी, ये सब आपको मूवी में देखना है। लिस्ट में नंबर 4 पर मूवी है आर्मी ऑफ थीव्स। ये सन 2021 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर बेस्ड मूवी है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 6.4 आउट ऑफ 10 और 86% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। मूवी में हमें कहानी देखने को मिलती है कि दुनिया की 3 सबसे सुरक्षित तिजोरियां जो कि 3 अलग अलग देशों की बैंकों में रखी हुई हैं। इन तिजोरियों में बहुत सारा पैसा है, तो इन तिजोरियों को खोलकर लूटने की प्लानिंग करता है 5 लोगों का एक ग्रुप। इस ग्रुप की लीडर है ग्वेंडोलाइन जो की एक मोस्ट वांटेड है और इस ग्रुप में है 4 और लोग। एक है कोरिना जो की एक हैकर है, दूसरा है रॉब जो की एक खतरनाक ड्राइवर है, तीसरा है ब्रैड केस जो की एक बॉडी बिल्डर है और चौथा आदमी है सेबास्टियन जिसने कई सालों तक लॉक खोलने के बारे में अध्ययन किया होता है और कई तिजोरी खोलने वाले कंपटीशन भी जीते होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि इस बंदे में दुनिया के उन 3 तिजोरियों को हमेशा से खोलने की चाह थी। तो अब कैसे यह ग्रुप इन चोरियों को अंजाम देगा, ये आपको मूवी में देखना है। ये मूवी आपको मनी हेस्ट की याद दिलाएगी। लिस्ट में नंबर 3 पर मूवी है डोंट लुक अप। ये सन 2021 में रिलीज हुई कॉमेडी डिजास्टर बेस्ड मूवी है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 7.2 आउट ऑफ 10 और 81% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। मूवी में हमें कहानी दिखाई गई है मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के 2 एस्ट्रोनॉमर्स की यानी कि खगोल विदों की जो कि एक कॉमेट को खोजते हैं और ये बताते हैं कि ये कॉमेट बड़ी ही तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है और ये कॉमेट पृथ्वी को नष्ट कर देगा, लेकिन कोई भी इनकी बात नहीं सुनता। ये व्हाइट हाउस तक जाते हैं लेकिन इनकी बात को कोई भी सीरियस नहीं लेता और मीडिया वाले भी इनका खूब मजाक उड़ाते हैं ये कहते हुए कि हाँ भाई वो कॉमेट तो मेरी ईएक्स के घर पर ही गिरेगा। सब जगह से परेशान होने के बाद ये लोगों को वार्न करने के लिए एक वीडियो वायरल करते हैं, लेकिन फिर इन्हें सीआईए द्वारा अरेस्ट करवा लिया जाता है। तो आगे क्या कुछ होने वाला है ये सब आपको मूवी में देखना है। इस मूवी के तर्क वितर्क और लोगों की बातें आपको खूब हंसाएंगी। लिस्ट में नंबर 2 पर मूवी है द अनफॉरगिवेबल। ये सन 2021 में रिलीज हुई एक ड्रामा थ्रिलर बेस्ड मूवी है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 7.2 आउट ऑफ 10 और 91% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। इस मूवी में हम कहानी देखेंगे रूथ स्लेटर नाम की एक महिला की जो कि एक पुलिस वाले की हत्या करने की सजा काट के जेल से रिहा होती है और अब वो अपनी जिंदगी को एक आम लेडी की तरह जीना चाहती है, अपने पास्ट को भूलना चाहती है, लेकिन ये दुनिया वाले लोग ऐसा करने कहां देंगे। लोग उसे तरह तरह की बातें कहते हैं, अपराधी कहते हैं, हत्यारन कहते हैं, यहाँ तक कि उसे उसकी छोटी बहन से भी नहीं मिलने देते हैं, लेकिन रूथ स्लेटर हार नहीं मानती। ये मूवी आपको काफी इमोशनल कर सकती है। तो आगे रूथ स्लेटर क्या करेंगी ये सब आपको मूवी में देखना है। लिस्ट में नंबर 1 पर मूवी है द एडम प्रोजेक्ट। ये सन 2022 में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन एडवेंचर बेस्ड मूवी है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 7 आउट ऑफ 10 और 95% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। यह मूवी टाइम ट्रेवलिंग पर बेस्ड है। इस मूवी में हम कहानी देखते हैं 2050 की, जहां डायस्टोपियन से एडम रीड नाम का एक पायलट टाइम ट्रेवलिंग जेट चुराकर 2018 में भाग रहा होता है, लेकिन इसका जेट 2022 में ही क्रैश हो जाता है और यहां उसे मिलता है अपना ही 12 वर्ष वाला वर्जन यानी कि 12 वर्ष का एडम। बाकी मैं इस मूवी के बारे में आपको कुछ नहीं बताऊंगा, नहीं तो आपका मूवी देखने का मजा ही किरकिरा हो जाएगा। ये मूवी अभी 9 मार्च 2022 को ही रिलीज हुई है और नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। तो यदि आज की फिल्मों की लिस्ट, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और ऐसे ही लिस्ट वाले वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।